हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज के बारे में। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, इसकी प्राइस है 65.65 पे, अपर सर्किट पे ये लग गया है। इसके पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी बताया था। और ये मंथली चार्ट पे जो ये हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ की थी, ये कहा था कि अगर ये जो हमारा सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 40 का। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक का है, इसने ये जो ट्रेंड लाइन है अभी तक तो रिस्पेक्ट ही है, पता नहीं कब तक करेगी, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारा जो सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो एक बाउंस बैक यहां से बनता है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें 40 के लेवल भी यहां पे दिखाई दे सकते हैं। तो जानते हैं ऐसी क्या चीजें हो रही हैं यहां पे स्टॉक में जिसके चलते हुए आज ये पुलबैक दिखाई दिया है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाले हैं, जुड़ी रही है हमारी वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पे अगर हम धनी सर्विसेज के BSE की वेबसाइट पे अगर जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं तो यहां पे जो ज़ल्को व बिल्डर्स है कंटिन्यूअसली यहां पे धनी सर्विसेज में यहां पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डिटेल में जानते हैं तो देखिए, 16th ऑफ मार्च से लेकर 17th ऑफ मार्च तक इन्होंने यहाँ पे 5 लाख की क्वांटिटीज ओपन मार्केट से यहाँ पे परचेस की हैं। उसके बाद 14 और 15th ऑफ मार्च को फिर से उन्होंने 6 लाख की क्वांटिटी ओपन मार्केट से परचेस की हैं। नेक्स्ट 9 से लेकर 11 मार्च में उन्होंने 9 लाख क्वांटिटी ली है। और उसके बाद बहुत ही बड़ा उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो किया है 2nd ऑफ मार्च को, यानी कि 1,60,00,000 की क्वांटिटीज उन्होंने यहाँ पे ओपन मार्केट से उठाई है। अब देखिए, उसके साथ भी और एक यहाँ पे ट्रस्ट है जो प्रमोटर की तरह यहाँ पे बाइंग कर रहा है, जो है उड़ान एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट, फॉर्मली इंडिया बुल्स वेंचर का ही एक ट्रस्ट है, जो भी यहाँ पे हमें बाइंग करते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, इन्होंने भी बहुत बड़ा अमाउंट से यहाँ पे बाइंग की है 24 से लेके 28th ऑफ फेब को, जो है 1 करोड़ की एंटिटी। मतलब अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने ऑलमोस्ट 2,80,00,000 के आसपास की इस मंथ में और पिछले मंथ में यहाँ पे बाइंग की है, जो कि बहुत बड़ा बल्क अमाउंट है। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली क्यों बाइंग कर रहे हैं, इसका रीजन तो हमें पता नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है एक वन ऑफ द रीजन है कि स्टॉक जो है बहुत ही अंडर वैल्यूड है और उनको ऐसा लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए प्रमोटर जो है बल्क बाइंग कर रहा है। या तो फिर और भी कोई न्यूज हो सकती है, लेकिन वो हमें नहीं पता है। अभी के लिए तो हमें इतना पता है कि जो प्रमोटर है यहाँ पे कंटिन्यूसली बल्क क्वांटिटी में ओपन मार्केट से यहाँ पे परचेस कर रहा है। इसके बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसके धनी सर्विसेज के जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, इसके प्रमोटर जो है उसमें है ऑर्थिया प्रॉपर्टीज, सेकंड है ऑर्थिया कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है समीर गहलोत। समीर गहलोत इन्होंने अभी रिसेंटली कंपनी से रिजाइन कर दिया है, और लेकिन इनके पास अभी भी कुछ शेयर्स हैं इस कंपनी के, जो कि इनको रिक्वेस्ट किया गया है कि ये जो शेयर है ये पब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाए। अगर इसको ये पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं तो समीर गहलोत इनका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो उसको सेल नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ कंपनी के जितने भी बिजनेस की यहाँ पे मीटिंग्स या डे टू डे अफेयर्स होते हैं, समीर गहलोत अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ से एग्जिट ले ली है। और ये जो ईयर एंड है उसके बाद ये जो बोर्ड है उसके मेंबर्स में से एग्जिट करने वाले हैं। ये तो हो गए हैं समीर गहलोत के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे प्रमोटर हैं वो है ज़ल्को व बिल्डर, जो कि हमने देखा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग करते हुए चल रहे हैं। बहुत बार उन्होंने इस मंथ में एक्विजिशन किया है ओपन मार्केट से। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है इनस प्रॉपर्टीज और इनस डेवलपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ज़ल्को व बिल्डर्स के बारे में, ये कौन प्रमोटर हैं और क्यों यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ज़ल्को व बिल्डर्स अगर देखते हैं तो देखिए, ज़ल्को व बिल्डर जो है उनके 9th ऑफ डिसम्बर को यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो थी 3.8% और उन्होंने बढ़ाकर अभी कर दी है 8% की। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं ज़ल्को व बिल्डर्स के बारे में भी कि ये है कौन। तो देखिए, ज़ल्को व बिल्डर्स ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 27 जुलाई 2012 में। और अगर आप इसके डायरेक्टर को जानेंगे तो देखिए, डायरेक्टर में अगर आप देखते हैं तो उसमें है नरेंद्र गहलोत और दिव्या समीर गहलोत। मतलब समीर गहलोत भले ही कंपनी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन उनकी वाइफ दिव्या समीर गहलोत और उनके रिलेटिव नरेंद्र गहलोत यहाँ पे इस कंपनी के जो प्रमोटर है ज़ल्को व बिल्डर्स, उसके थ्रू यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो दूसरी कंपनी है हमने एज अ प्रमोटर देखी थी ऑर्थिया प्रॉपर्टीज, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि ये यहाँ पे एक प्रमोटर का काम कर रही है ऑर्थिया प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, ऑर्थिया प्रॉपर्टीज लिमिटेड जो है इसके भी ये भी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009
दिसंबर में। और इनके अगर हम डायरेक्टर देखते हैं तो उसमें भी देखिए दिव्या समीर गहलोत और नरेंद्र गहलोत, तो ये भी यहाँ पे एक प्रमोटर हैं। अब भले ही समीर गहलोत यहाँ से उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ उनका कंट्रोल यहाँ पे पूरा है धनी सर्विसेज पे, और वो यहाँ पे ओपन मार्केट से परचेसिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भले ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखते तो FII यहाँ पे 27.16% है, प्रमोटर 30.05% है, रिटेल यहाँ पे 41.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे प्रमोटर्स हैं क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्या वजह है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पे से वो नीचे वो गिरने नहीं देने वाले हैं, इतना तो हमें इतना पता चल रहा है। मे भी हो सकता है कि ये जो स्टॉक है बहुत ही अंडर वैल्यूड है, इन सारी वजहों से ये यहाँ पे प्रमोटर जो है बल्क बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो देखिए हमारे लिए आज भी वही बात है जो ने कल डिस्कस की थी, जब तक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट है तब तक ठीक है, अगर नहीं ये ब्रेक हो जाता है तो हमें 40 के लेवल यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद एक थोड़ा बहुत पुलबैक दिखाई दे सकता है। तो हमारे चार्ट में अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या लगता है, क्या ये जो प्रमोटर की बाइंग कर रही है ये इस स्टॉक को आगे हमें 80 के लेवल 100 के लेवल आने वाले मंथ या सालों में दिखा सकती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो वो भी हमें बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।